लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, जहां देश भर में चुनावी दंगल जोरों पर शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों का लगभग घोषणा कर दिया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन बलिया लोकसभा से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे शनिवार को पहली बार बलिया पहुंचे। शनिवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए इंडिया अलायंस के सपा प्रत्याशी सनातन पांडे ने 2019 लोकसभा चुनाव का भी भड़ास निकाला। बता दें कि उक्त चुनाव में सपा से ही सनातन पांडे प्रत्याशी थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सनातन पांडे ने कहा कि मैं पिछली बार चुनाव जीत चुका था, चुनाव आयोग पर विश्वास किया था, मतगणना स्थल से हत्या के डर से मैं बाहर नहीं आया था। हम आपको जीते हुए प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रिजल्ट बदलवाने का काम किया गया। बता दें कि इंडिया गठबंधन की तरफ से और सपा प्रत्याशी सनातन पांडे ने कहा कि मैं संकल्प लेकर आया हूं, 2024 में यदि जनता ने चुनाव में जीत हासिल कराया तो यहां का प्रशासन या भाजपा का जो भी तंत्र होगा मेरे मुझे सर्टिफिकेट लेने से नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंदर से सनातन पांडे की लाश आएगी और नहीं तो कलेक्ट्रेट की लाश आएगी, दो में एक ही होगा, यह शपथ लेकर मैं आया हूं। तो वहीं सपा प्रत्याशी सनातन पांडे ने नीरज शेखर को समाजवादी बताते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी समाजवादी थे, भारतीय जनता पार्टी की कभी भी नहीं रहे। आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की बहुमत साबित करने का सवाल था तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने उस सरकार को गिराने का काम किया था। जब तक वो चंद्रशेखर यानी समाजवादी विचारों के रहे, तब तक हमारे नेता यानी मुलायम सिंह उनको समर्थन देने का काम किया। हमारे नेता के न रहने पर उनके बेटे को अपना बेटा मानकर दो दो बार सांसद बनाने का काम किया। अब वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। अब उनका कुछ नहीं है और नहीं कुछ बचा है, भारतीय जनता पार्टी का जो होगा वो उनको मिलेगा। उक्त बातें सनातन पांडे ने कहा। आपको बता दें कि बलिया लोकसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट मिलने के बाद बलिया में पहली बार पहुंचे सनातन पांडे ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता के दौरान उक्त बातें कही। पिछली बार भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार आपको साथी बनाया गया। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने हत्या के डर से हम प्रांगण से बाहर आ गए। जो हुआ आपने भी देखा, बलिया के लोगों ने भी देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा। हम तो आपके जीते हुए प्रत्याशी थे, लेकिन हिंदुस्तान में जो संस्थाएं होती थी, जैसे आयोग, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, ये निष्पक्ष हुआ करते थे। लोगों के अधिकारियों के मन में जब आचार संहिता लगता था तो सभी अधिकारी पूरा हिंदुस्तान के डर जाते थे कि अब हमारे ऊपर यह हुकूमत का डंडा नहीं चलेगा, अब हमारे ऊपर आयोग का डंडा चलेगा। चुनाव जो है आयोग के देखरेख में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग यहाँ का कट्टर दबाव में आ गया और उसने हमारे रिजल्ट को बदलवाने का काम किया। मैंने स्वीकार कर लिया अपने हार को, इसलिए कि हम उस व्यवस्था को अपमानित नहीं करना चाहते थे। लोकतांत्रिक प्रणाली जो हमारी है उसमें हम आयोग को जो है चुनौती नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि आयोग का जो है विश्वास जनता में कम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम बाहर आ रहे थे तो सरकार के पक्ष के लोगों द्वारा मेरे ऊपर लाठी डंडों से वार किया गया, जिसमें मेरे गाड़ी के शीशे फूटे, आप लोगों ने अपने आंख से देखने का। अब इस बार कह रहे उस बार ऐसा हुआ था, इस बार क्या होगा। इस बार हम संकल्प के साथ आए हैं कि अगर जनता द्वारा हम चुनाव हरा दिए गए तो जनता का अभिवादन करते हुए मैं काउंटिंग कक्ष से बाहर आ जाऊंगा। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया, यहाँ का प्रशासन चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर सनातन पांडे की लाश आएगी, यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आए, जो मैं कही होगा इसके मैं शपथ ले चुका हूँ। इस बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर आपके सामने। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी समाजवादी थे, वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं रहे। आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के सवाल पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बहुमत साबित करने का सवाल था तो समाजवादी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने उस सरकार को गिराने का
जब तक वो समाजवादी विचारों कर रहे हैं तब तक हमारे नेता उनको समर्थन देने का काम किया और आज वो समर्थन दिया। उनके न रहने पर भी हमारे नेता जो है उनके बेटे को अपना बेटा मान करके दो दो बार सांसद बनाने का काम किया। अब वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ रहे। अब उनका कुछ भी नहीं बचा है, भारतीय जनता पार्टी का जो होगा उनको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उनको चाहते होंगे तो वोट देने का काम करेंगे। देखिए अब विकास की बात मैं सुन रहा हूँ बहुत दिनों से कि बलिया का विकास बहुत हो गया है। अगर बलिया के विकास हुआ होता तो 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में देश के जो है समाजवादी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बलिया को दिया गया। उन्हीं से चंद्रशेखर जी के नाम पर स्पोर्ट्स कॉलेज बलिया को दिया गया। हमारी सरकार में जो घाघरा नदी पर दो बड़े पुल दिए गए, हमारी सरकार में जो गंगा नदी पर दो बड़े पुल दिए गए, उन 2019 तक आदरणीय नीरज शेखर जी समाजवादी पार्टी के सांसद थे और 2019 से लेकर के 2024 तक वो अभी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। उनकी प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। अब वो क्या चाहते हैं और कौन सी ताकत चाहते हैं कि बलिया के विकास करने की बात कर रहे हैं? उनके बस का जो है न बलिया है और न बलिया का विकास है और न राजनीति है। जी।